हिमाचल प्रदेश से है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने व्हाट्सएप प्रबंधन को लिखित में भेजा है कि कोई भी मेरा व्यक्तिगत फोटो किसी भी आईडी में नहीं लगा सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल में साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सख्ती से सरकार काम कर रही है, जिसकी सुविधा मंडी और धर्मशाला जैसे दो थाने में मुहैया कराई गई है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों को सुविधा भी है, लेकिन आपदा भी बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों के दौर में से गुजरना पड़ रहा है, और विशेष तौर से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके अपने लिए गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करना, किसी को ब्लैकमेल करना, इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हम अब खुद ही देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नाम से कई बार आईडी मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप को लिख करके देना पड़ा कि अल्टीमेटली कि मेरी जो फोटो है वो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिविजुअल फोटो जो है आईडी के रूप में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उनको व्हाट्सएप को लिख करके देना पड़ा है, क्योंकि कोई 8-10 बार उन्होंने मेरे नाम से आईडी बना करके पैसे मांगने शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस के नाम से, चीफ सेक्रेटरी के नाम से, मंत्रियों के नाम से, और उसके बाद दूसरे जो टेक्नोलॉजी में किसी को जोड़ करके उनका फोटो लगा लेना और उनका चेहरा लगा लेना और उसके बाद उससे ब्लैकमेल करना, तो ये बहुत। और इसी बीच वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था, आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उसे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था, इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000
निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट, गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश, जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा है कि बिलासपुर जिला में आप पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम लगातार जारी है और पूरे जिले में 50 टीमें पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 27,000 से अधिक लोग आप पार्टी से जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या और भी बढ़ेगी। साथ ही सुरेश कुमार ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला बिलासपुर होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का संसदीय क्षेत्र भी है। यहां जल्द ही आप पार्टी एक बड़ी जनसभा बिलासपुर में आयोजित करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में फ्री बिजली सेवा को अरविंद केजरीवाल की नीतियों को कॉपी करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल जी की नीतियों को अपनाना स्टार्ट कर रही हैं और वोट बटोरने के चक्कर में आज कांग्रेस पार्टी भी 300 यूनिट बिजली फ्री और साथ में महिलाओं को 1500 रुपए देने का प्रतिमाह का वादा कर रही हैं। ये पार्टियां दिन प्रतिदिन जो है केजरीवाल की नीतियों को अपना रही हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने साथ में सचिन पायलट जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे मिलके ये घोषणा की कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये क्या केजरीवाल की नीति नहीं थी? ये केजरीवाल की नीतियों में ही आता है, क्योंकि इनको पता है वोट बटोरने के चक्कर में कार्य कर रहे हैं। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय से लेकर चंबा शहर में तिरंगा रैली आयोजन किया गया है। इस रैली में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय गणमान्य लोग ने हिस्सा लिया है। वहीं इस अवसर पर डीसी राणा ने कहा है कि भारत आजादी के 75वां वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत हर घर में 13 से 15 तारीख तक तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा फहराने के साथ सेल्फी खींचे और सोशल मीडिया में शेयर अवश्य करें। साथ ही उन्होंने सभी जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। वह इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष जसवीर नागपाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद नजर आए। वर्ष बना रहा और इस उपलक्ष्य पे हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि वो 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घर में झंडा आप फहराएं और उसके साथ सेल्फी खींचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और हमें भारतीय होने पे गर्व है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष बना रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन छात्र संगठन SFI और DYFI ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया है। वहीं SFI के कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान तक रैली निकाली है। चौड़ा मैदान में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर
इन्हें आगे जाने से रोका है, जहां इनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई है। साथ ही एसएफआई ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार ने भर्तियों में धांधली की है, जिससे काबिल युवा बेरोजगार हो गए हैं। वहीं एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा है कि ये सरकार बैकडोर भर्तियां कर रही है, एक संगठन विशेष के लोगों के लिए नियमों को ताक पर रखकर भर्ती कर रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीटीए के नाम पर करोड़ों रुपए एकत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन कहां इसका उपयोग किया जा रहा है इसका पता नहीं है। और कॉलेजों के अगर हम हालात देखेंगे ना, तो कॉलेजों के पास बहुत सारे कॉलेजों में बिल्डिंग नहीं है। हम अभी चंबा के अंदर गए, भलेई के अंदर कॉलेज आंगनवाड़ी के अंदर चल रहा है, सिर्फ एक कॉलेज टीचर को, एक टीचर जो है कॉलेज को चला रहा है। वहाँ पर 250 के करीब बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में कौन सोचेगा, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके भविष्य के बारे में किसको चिंता है। हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ से अभी जा रहे थे, ये एक शब्द भी नहीं बोले। हम उनसे सवाल कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में टीचर कब आएंगे, हिमाचल प्रदेश के 47%। और हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होते ही विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वोकेशनल अध्यापक अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार से अस्थायी नीति बनाने की मांग की है। वहीं वोकेशनल शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सुचिता का कहना है कि वह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, उन्हें हर बार आश्वासन दे दिया गया है। साथ ही सुचिता ने आगे कहा है कि 1100 स्कूलों में काम करने वाले 1881 शिक्षकों का भविष्य सरकार जल्द से जल्द सुरक्षित करे। हम लोग की बहुत पुरानी डिमांड है, आज की डिमांड नहीं, हमारी 8 सालों से यही डिमांड है कि सरकार हमारे लिए एक स्थायी नीति फ्रेम करे। उसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। आश्वासन हमें बहुत बार मिले, इस बार हम चाहते हैं कि सरकार अभी चुनावों से पहले हमारे लिए स्थायी नीति फ्रेम करे। सर लगभग 2000 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग ट्रेड्स में कार्यरत हैं। सर अभी हमारी 20,000 ही तनख्वाह है, जिसमें से कटा के हमें 15,000 ही मिलती है। और हिमाचल में पशुओं में फैले लंपी वायरस को प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। अब अगर इस बीमारी से कोई पशु मरता है तो उस पशुपालक को इसका मुआवजा दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में अब तक लंपी रोग से 79 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1351 बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। साथ ही साथ इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन बना दिया है, वही घोषणा कर दी है इसकी। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सिरमौर, सोलन, चंबा, शिमला में लंपी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसके रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वही पशुपालन मंत्री ने आगे कहा है कि विभाग के पास जहां से भी सूचना आ रही है, विभाग के द्वारा वहां जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। जिला के अंदर जैसे सिरमौर है, सोलन और चंबा में ज्यादातर केसेस जो है वो इसके वहाँ ट्रेस हो गए हैं, और हम पूरे मिशन मोड में जो है उसके रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमें ये केसेस का पता चलता है, ट्रेस होते हैं, वैसे ही हमारा विभाग जो है वो वहाँ पर पहुँचता है, उनको पशुओं को जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको अलग करते हैं और उसको कंटेनमेंट जोन बना करके उसकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर देते हैं, और यही अलर्ट जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर हमने जारी किया है। हमने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया है, और ऐसे में जिन पशुओं को इस बीमारी के कारण मृत्यु होगी उनको निश्चित रूप से जो है वो सरकार को आंसर देगी। ऐसा तो अभी किया। और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से यमुना नदी उफान पर आ गई है। वहीं यमुना में जलस्तर खतरे के आसपास पहुंच गया है और बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को नदियों के आसपास
न जाने की हिदायत दी है। साथ ही यमुना घाट पर लोगों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामों के तहत यहां गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी के तहत हम लोग यहाँ पे व्यवस्था देखने के लिए आए थे। वैसे तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर गोताखोरों की नियुक्ति भी की गई है और वो होमगार्ड भी लगाए गए हैं, पुलिस के जवान भी यहाँ तैनात हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि नदी के किनारे ना जाएं। सोशल मीडिया में मैसेज डाले गए हैं और यहाँ पे तार भी रस्सी भी लगाई गई है, परंतु फिर भी लोगों को हिदायत है कि वो नदी के किनारे ना जाएं क्योंकि जतौन डैम जो कि गिरी नदी के ऊपर है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 7